नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज का ये ब्लॉग जो है हमारे घर पे कुछ काम हो रहा है उससे रिलेटेड होने वाला है। एक्चुअली हम लोगों ने जब शिफ्ट किया था तो कुछ मतलब आफ्टर इंटीरियर हमने तुरंत शिफ्ट कर लिया था, नो पेंटिंग, नथिंग हैज बीन डन। तो अभी जो है हम लोगों ने सोचा कि पेंटिंग करा लेते हैं क्योंकि दिवाली दशहरा आने वाला है, तो चलिए दिखाते हैं। और इस बार हमने बुलाया है न्यू ब्रोकर को। आई मीन न्यू ब्रोकर की डील इज लाइक आर ऑल टाइम फेवरेट, बहुत सही सर्विस होती है उनकी। तो आप लोग भी चाहें तो न्यू ब्रोकर को बुक करके वहाँ से सर्विस ले सकते हैं, बहुत रीजनेबल होता है और बहुत ही सही चीज़ें होती हैं, सारा काम वगैरह एवरीथिंग इज फाइन। चलिए आपको फटाफट से दिखाते हैं। तो ये देखिए ये लोग आए हैं, ये इनका सामान है सारा और सारे हमारे कॉटन्स वगैरह इन लोगों ने सारी चीज़ें खुद ही हटाई हैं। जो डेकोरेशन वगैरह का स्टफ था, जो इस पर पेंट वगैरह पड़ने के चांसेस थे, वो सारी चीज़ें इन लोगों ने हटा दी हैं। और इनको देखिए, someone is taking bath, hello, hey boy, I got you, look at me, hey। तो ये नहा रहे हैं सुबह सुबह, अब इसको आधे घंटे एक घंटे इसी में बैठना है। इंटीरियर से सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था, ये फिलिंग वगैरह सारी चीज़ें थी। आज ये कंप्लीट होगा क्योंकि मेरा था कि हम लोग दिवाली में ही सब पेंट वेंट कराएंगे, क्योंकि बाबू ने भी ये पूरे दीवार पे देखिए आप लिख लिख के सब दीवार पे इसने लिख लिख के भर रखा है, कहीं पे भी छोड़ा नहीं है। ये मेन एरिया हमारा, मेन हॉल, यहाँ पे भी देखिए सारी चीजें हटा रहे ताकि पेंट अच्छे से हो सके। देखिए ये अभी सारा वैसे ही पूरा पड़ा हुआ था, आप देखिए ये बिफोर है एंड आफ्टर का भी दिखाएंगे, इन प्रोसेस जब होगा तब भी दिखाएंगे आपको। तो ये है, चलिए स्टार्ट करते हैं और बने रहिए इस ब्लॉग में, और न्यू ब्रोकर की सर्विस लेना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, इन लोगों ने सारा कुछ कवर कर रखा है, कमिंग टू बेड, ड्रेसिंग, अलमीरा, सारा कुछ प्लास्टिक से। इनफैक्ट के जो वॉलपेपर लगा है वो भी इन्होंने कवर किया है ताकि पेंट वगैरह जब हो तो उस पर छीटे ना जाए, वो बेकार ना हो। देखिए अलमीरा कितने अच्छे से इन लोगों ने पूरी कबर्ड मेरी कवर की हुई है प्लास्टिक से, ताकि अगर लगेगी भी तो वो ईजिली निकल जाएगा प्लास्टिक के थ्रू। बेड ऑलरेडी कवर है, तो ये मेरा मास्टर बेडरूम ऑलरेडी यहीं से पहले स्टार्ट होगा ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो, और एक रूम हो जाएगा उसके बाद फिर दूसरा रूम करेंगे। और बाहर मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारा जो टेबल टॉप का एरिया है वो भी इन्होंने कवर कर दिया है, सारे डेकोर आइटम जो हटा सकते थे वो हटा दिए इन लोगों ने, सारा कुछ कर्टन्स वगैरह ये सारी चीज़ें इन लोगों ने खुद ही हटाए थे। जितने डेकोर आइटम है वो भी बहुत अच्छे से कवर किया है, इवन जो किनारा है इसका उस पर भी टेप लगा के बहुत अच्छे से किया हुआ है कवर, ताकि ये सेफ रहे, क्योंकि हम लोगों ने इसे नहीं हटाया, हम लोगों ने सोचा कि इसको नहीं हटाएंगे वरना फिर बाद में लगाने में दिक्कत होती है। और अदरवाइज ये था प्लान कि चलो इसको निकाल देंगे बाद में लेंगे, बट देन एट लास्ट वी डिसाइडेड नॉट टू डू दिस। ये हमारा सोफ़ा इन्होंने सेंटर में कर दिया, सोफ़ा हमने सोचा था बाहर निकालेंगे बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया क्योंकि इसकी जो विड्थ है बहुत ज़्यादा है, वो मतलब बड़ी मुश्किल से जब हमने लिया था तो वो अंदर आया था, बट बाहर ले जाना इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये हो गया। उसके साथ देखिए आप टीवी वगैरह का सारी यूनिट कवर कर दी है, टीवी लेकिन चल रही है, हाँ हमने छोड़ दिया है और बाहर चले गए ये लोग। क्यों रो रहे हो आप? Why you are crying? Candy नहीं है ना? Wait, I'll give you. What do you want? Coding नहीं पीते हैं? Anything else you want? नहीं, रुको मम्मा चॉकलेट दे रही। कोल्ड ड्रिंक नहीं है बेटा, यू सी दस नो कोल्ड ड्रिंक, आई गिव यू चॉकलेट, ओके? कोल्ड ड्रिंक नहीं है, यू सी नहीं है, देखो नहीं है ना? ये चॉकलेट दो, ओके ठीक है बंद करो फिर, नहीं चाहिए तो ले लो।
दूसरे का सामान नहीं लेना चाहिए। हाँ गंदी बात है ना। हाँ दूंगी, अब बैड मैनर्स है ना। सुनो इधर देखो, दूसरे का सामान लेना बैड मैनर्स होता है ना। कैंडी चाहिए? दूंगी। पहले सॉरी बोलो कान पकड़ के से। दिखाओ मम्मा को, दिखा के बोलो सॉरी। बोलो मम्मा अब मैं नहीं करूंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है।